हेलो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आपको कई दिनों से लग रहा है कि मैं डेली व्लॉग नहीं डाल रही हूँ, तो उसका कुछ कारण था कि मेरे बेटे का एग्जाम है और वो तैयारी कर रहा है, तो इसलिए मैं उसको डिस्टर्ब करना नहीं चाहती थी। और फिर भी आप देखो, घर में काम तो बहुत रहते हैं। मैंने अपने लेवल पे फूड के बहुत सारे मैंने कुकिंग के वीडियो डाले हैं, परंतु फिर भी डे इन माय लाइफ तो बनता ही है दोस्तों। तो आज मैंने छोटे छोटे काम करके मेरे बहुत सारे काम हो गए, तो मैं आज डालूंगी डेली व्लॉग। और मैंने ले लिया, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना बड़ा बैग लिया था, आप सोच लो कि आज मैं क्या क्या करने वाली हूँ। तो चलिए मेरे साथ, मैं आज आपको दिखाती हूँ कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो चलिए तो गाइज, हम पहुंच गए हैं बैंक में और मुझे यहाँ डायरी अपडेट भी करवानी थी, और साथ ही मुझे करवाना था यहाँ पे KYC के कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने। तो पहले मैं डायरी सबमिट कर दूंगी, क्योंकि थोड़ी देर में यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है और लाइन में लगना पड़ जाता है, तो मैं ये काम पहले कर लेती हूँ, क्योंकि अभी शायद कोई अंदर है नहीं। मैंने अपनी डायरी अपडेट करने के लिए डाल दी है, और कुछ इशू आ रहा था तो मैंने यहाँ इंस्ट्रक्शन फॉलो किए और उसको फिर से सही किया, तो वो अपडेट होने लग गया, प्रोसेस चालू हो गया था। उसके बाद हम कंप्लीट करवा के मैं गई हूँ बैंक के अंदर, जो मुझे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, तो मैं कंप्लीट चेक करके फिर उनको। बैंक का काम मेरा कंप्लीट हो चुका और हम अब जाने वाले हैं शॉपिंग करने। गाइस, मैंने एंट्री कर ली है यहाँ विशाल मेगा मार्ट में, और मैंने अपना बैग गेट पर सबमिट किया था, क्योंकि यहाँ के रूल्स हैं, तो मुझे ये नंबर मिल गया 9। ये शायद आपको उल्टा दिख रहा होगा, और अब मैं जाऊंगी ऊपर आर्यन के कपड़े लेने के लिए, और आर्यन तो पहले ही एक्साइटमेंट के मारे ऊपर पहले जा चुका है, तो मैं अभी जाने वाली हूँ। ये देखिए, बहुत ही यहाँ स्टॉक बहुत अच्छा अच्छा आया हुआ है। ये वाला ले ले आर्यन, ये अच्छा लगेगा, इसकी हेलो दो बहुत बहुत प्यारी है ये। और ये तो बहुत बुरे बुरे लोग पहनते वैसे हैं, तो मुझे कम पसंद आए। कुर्ते में अगर जाना चाहो तो कुर्ते वाले भी नहीं, कुर्ते अभी पहनू का, फिर कुर्ते वाला मैं एक काम करो ना, उधर बच्चों वाले में थोड़ा ये वाला अच्छा है ना। हाँ, ये देख, वाओ, ये तो बहुत लुकिंग लाइक वाओ, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। इसी में बहुत सारे शेड हैं। मम्मी, अपन ने बहुत कपड़े खरीद लिए, अपन चलते हैं। ओ, हमने आज बहुत कपड़े खरीद लिए हैं, और वैसे आर्यन का मुझे ड्रेसअप सेंस काफी अच्छा लगता है, तो अगर आप चाहें मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसका जो हॉल है वो शॉपिंग का बताऊंगी, क्योंकि इसमें अगर मैं बताने गई तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। वैसे उसने मुझे पेन पेन के दिखाए हैं, पर आप चाहते हैं तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी उसका हॉल वीडियो। तो चलिए, सो गाइस, विशाल मेगा मार्ट से हमारी शॉपिंग हो गई है कंप्लीट, और अब हम दूसरे स्टेप पे जाएंगे, कुछ और बाकी भी है मुझे, तो मैं वहां जाऊंगी अभी। गाइस, मैं आ गई हूँ रिलायंस में और मुझे लेना है राशन का सामान, तो मैं अपने साथ में आर्यन को भी लेके आई हूँ, और उसी के साथ बहुत सारे सामान पर डिस्काउंट चल रहा है, बट मैं अपनी लिस्ट साथ में रखती हूँ ताकि मुझे अदर खर्च ना हो इसलिए। हे
मेरी तरफ डाल दो। रख दो, गिर जाएगा सामान कुछ। फोकस फोकस, अपन क्या लेने आए हैं? चलो, मैं लेने आई हूँ लिक्विड बर्तन, जो यहाँ का स्पेशल है। मेरे बहुत जगह से खरीदा पर मुझे अच्छा नहीं लगा था। यहाँ से जो है बर्तन का लिक्विड वो बहुत ही सॉलिड वाला है, इसलिए मैं उसको ढूंढूंगी यहाँ पर। वो इसी रूम में मिल जाना चाहिए मुझे। ये इतना अच्छा है कि ये हर बार स्टॉक आउट हो जाता है। मिला मिला नहीं है। ये अब मेरे कौन सा उतारना है? हाँ, अब लो ना आप, मुझे मिल गया है मेरा प्रोडक्ट, पर मैं बस हाइट में छोटी हूँ। हाँ तो कोशिश करो। अरे मैंने इसको उतार लिया है वीडियो के लिए कुछ भी। आर्यन को लग रहा था मैं ये नहीं कर पाऊंगी, बट मैंने कर लिया है। इस बार बड़े वाला है, छोटा वाला नहीं है। छोटा वाला है क्या? एक्सक्यूज मी, छोटा वाला है। इसमें वो पहले 125 में था, इसे लगा हुआ है। बड़ा वाला है ये, कुछ नहीं उसी का ना। बड़ा वाला ले लो, वापिस आना मीठा। पर अभी अपने घर पे है, चलेगा नहीं? चलेगा। ले लूं? नहीं चलेगा, फिर आएंगे तब ले लेंगे ना। चल, वैसे मैं आई उसे लिए थी। उधर तो कॉर्नर कितना अच्छा है। आप फिर से भटक रहे हो। छोटी छोटी बेबीज काम कर लो, उनके चक्कर में क्या है। बिलिंग करवाने के बाद मेरी नजर पड़ी यहाँ पर मुकुल ग्रह उद्योग। यहाँ पर देखा मैंने गिफ्ट आइटम बहुत ही प्यारे थे, और यहाँ पर जो भगवान की तस्वीरें थी वो भी बहुत ही सुंदर और प्यारी, और वो बिल्कुल हाथों से बनाई गई थी सभी चीजें। तो दोस्तों, आप अगर ये वीडियो आपको बहुत काम आने वाली है और आप चाहते हैं कि मैं आपको इनकी जानकारी दूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं इसके लिए पूरी आपको वीडियो बना के दूंगी और इनसे पूरी जानकारी डिटेल में लूंगी, क्योंकि आपको बहुत काम आने वाली है। और ये मुझे बोल रहे थे कि किसी को जॉब वगैरह चाहिए तो भी मुझे कॉन्टेक्ट करें। तो दोस्तों, आपको इन सब चीज़ों के बारे में या जॉब के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, ये सिखाएंगे और आपको जॉब देंगे। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो मैं पूरी वीडियो आपको इनकी बताऊंगी। गाड़ी कहाँ पड़ी है? अपनी गाड़ी कहाँ रखी थी अपन ने? ये रही ये अपनी है। हाँ रख दो, इस पे सामान तो रख दो। ये लो, नहीं निकलेगा ये बैग, रख दो। बैग तो आप पकड़ लोगे ना? ये लो, गाड़ी निकल लेना। सब्जी लेनी है इतने में तक गया। तो गाइस, मैं शॉपिंग करके आ चुकी हूँ, और पता है इतनी शॉपिंग करने और थकान के बाद भी मैं खुश हूँ। आप जानना चाहोगे मैं खुश क्यों?
हर लेडीज खुश कब होती है, तो यही बात कि किचन का राज है। मेरे एंड सिर्फ दाल भिगो के गई थी और पंड्या जी ने उसे बना के भी रखा है और आटा लगा के भी रखा है और तो और प्रिया को खाना बना के खिला भी दिया, तो है ना खुशी की बात। तो दोस्तों मेरी तो थकान उतर गई, आपके साथ भी अगर ऐसा हो तो आपको कैसा लगेगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। क्या कभी आपको भी ऐसी खुशी का माहौल मिला है घर में? अब मैं चेंज कर लेंगी कपड़े और उसके बाद में खाना, जैसे आर्यन को खिलाना है और पंडित जी को भी खिलाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि उन्होंने इतनी हेल्प जो की है। तो मैं अभी चेंज करके खाना बनाने वाली हूँ। ठीक है दोस्तों, तो हम आ गए हैं अपने डेली रूटीन पे और मैं बना रही हूँ रोटी और पंडित जी खाने बैठ गए हैं। तो अभी ये काम निपटा के मुझे थोड़ी स्टिचिंग भी करनी है, ब्लाउज सिलना है तो मैं ब्लाउज भी सिलूंगी, मुझे स्टिचिंग का बहुत शौक है तो मैं स्टिचिंग और फूड बनाना, ये दो मेरे फेवरेट वन है तो ये दोनों मैं बहुत शौक से करती हूँ। मेरे साथ वीडियो में बने रहिए दोस्तों और वीडियो को आप पूरा देखें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और कुछ अच्छा अच्छा करूँ और अच्छा बनाती रहूँ। आप सो गाइस, आज का व्लॉग मैं यही समाप्त करूंगी। सारे काम निपट चुके हैं और अब प्रयाग के पढ़ने का समय हो चुका है। और एक चीज और बताऊंगी कि ये गाउन जो मैंने पहना है वो पंड्या जी मुंबई से लाए थे, तो आप सबको कैसा लगा इसका कलर? मुझे बहुत अच्छा लगा, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि ये आपको कैसा लगा। तो मेरे व्लॉग के साथ बने रहें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें दोस्तों। मेरे व्लॉग के साथ बने रहें, आप सभी का प्यार मुझ पे बनाए रखें। धन्यवाद।